नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अभी प्रयागराज के झूसी रेलवे स्टेशन पर है। दोस्तों वाराणसी से लेकर प्रयागराज रामबाग तक रेलवे डबल लाइन का काम अभी चल रहा है, तो डबल लाइन का काम आपको दिखाने लेके चल रहे हैं। कई भाई लोग हमारे कमेंट किए कि डबल लाइन का काम दिखाइए, जो कि झूसी तक दोस्तों वाराणसी से झूसी तक पूरा हो चुका है। अभी झूसी से रामबाग तक काम चल रहा अधूरा है। गंगा में ब्रिज बन रहा है, ब्रिज भी कम्प्लीट हो गया है, लाइन बिछाया जा रहा है, पानी बढ़ गया है, इस वजह से काम कुछ स्लो हो गया है, तो काम अभी फिलहाल चल रहा है। और पैसेंजर ट्रेन आ रही शाम वाली 4:58 वाली पैसेंजर आ रही है बनारस की तरफ से, जिसका ट्रेन नंबर 0195 अभी झूसी में आ रही है। थोड़ा सा लेट है, लगभग 5:30 बजे, तो इसी पैसेंजर ट्रेन से ले चलेंगे आपको प्रयागराज रामबाग तक। झूसी से लेकर डबल लाइन का काम दिखाएंगे, कितना काम हुआ है झूसी से रामबाग के बीच में। तो आइए फिर लेके चलते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं। और पैसेंजर मेमो पैसेंजर ट्रेन आ रही है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और जिससे हम और वीडियो आप सब तक पहुंचा सकें और दिखा सकें। देखिए पैसेंजर आ रही है इधर पीछे, आइए चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं माँ गंगा वाले पुल पर। देखिए सामने जो नया वाला ब्रिज बना है उसी को दिखाने लेके आए हैं आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग। और जो कि पानी बढ़ गया है, पानी तो फिलहाल अब कम हो रहा है, अभी पानी बढ़ा था। देखिए कुछ लोग ये मछली वगैरह पकड़ रहे हैं। सामने देखिए ब्रिज बन के पूरा कंप्लीट है, लाइन वगैरह बिछ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों लेक चलेंगे, पूरा रामबाग तक दिखाएंगे। देखिए गाड़ी काफ़ी तेज चल रही है और पुराने वाले ब्रिज पर हम लोग चल रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। देखते चलिए दोस्तों पूरा लास्ट तक। दोस्तों देखिए सामने पूरा ब्रिज दिखाई दे रहा है तारागंज तक, देख लीजिए कंप्लीट है पूरा, सभी पाए बन के तैयार हैं, फिर लाइन बिछा रहे हैं अभी, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो तारागंज हम लोग पहुंचने वाले हैं कुछ ही क्षण में। सामने रमशान घाट दिखाई दे रहा है तारागंज का, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। दोस्तों आइए चलते हैं इसी पैसेंजर ट्रेन से और रेलवे डबल लाइन का काम दिखाते हैं झूसी से तारागंज तक। देखिए काफी भीड़ है ट्रेन में, आइए इसी से लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे। दोस्तों झूसी रेलवे स्टेशन से अभी चल चुके हैं और आगे गंगा में ब्रिज बन रहा है, तो उसको दिखाते हुए हम लोग चलेंगे प्रयागराज रामबाग तक। देखिए अभी झूसी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ है, तो पिछले वीडियो में भी दिखाया था आप लोगों को, कंटिन्यू दिखाता रहता हूं, तो चल पड़ा हूं झूसी से रामबाग तक। देखिए अभी ये सब रैंप अभी सब बना है, अभी 5-6 महीना हुआ इसको बने। देखिए लास्ट छोर झूसी, इधर बोर्ड लगा हुआ है और अभी जिस पे मालगाड़ी खड़ी है ये सब लाइनें अभी नई बनी है यहाँ। यहाँ से दोस्तों लगभग 500 से 700 मीटर आगे गंगा ब्रिज आने वाला है, तो अभी आपको हम दिखाएंगे। तो गंगा में बाढ़ भी आ गया है तो उसको भी दिखाएंगे, पानी कितना है अभी फिलहाल प्रयागराज में, इसी ब्रिज से दिखाएंगे अभी हम लोग। पुराने वाले से चलेंगे जिससे सिंगल लाइन है, और नया वाला तो डबल लाइन का बन रहा है। दोस्तों देखिए वाराणसी से लेकर ये जो देखिए आगे लाइन है, ये वाली लाइन बनी है झूसी तक, यहीं तक लाइन बनी है, ये आज़ाद नगर वाला फाटक आ गया झूसी आज़ाद नगर वाला। अभी देखिए यही लाइन बनी है वाराणसी से लेकर झूसी तक, ये यहाँ पे इसका एंड है। देखिए यहाँ से बनना रह गया है, अधूरा है काम, गाड़ी अब तेज हो रही है यहाँ से।
ये लास्ट फ्लोर पे हम लोग हैं, यहाँ से भी समाप्त होता है। ये देखिए अभी एकदम नया बना है, निर्माण हुआ है, पूरा रसूलाबाद से संगम तक पूरा इसका काम चल रहा है। इसको पिछले वीडियो में दिखाए थे आप लोगों को, इसे लास्ट फ्लोर। अब आ गए हम लोग तारागंज, यहाँ पे भी यात्री उतरते हैं बहुत तारागंज में। इसके आगे प्रयागराज रामबाग, और देखिए सामने वहाँ से ब्रिज, उधर से बाईपास हो जा रहा है इधर से, क्योंकि इधर धर्मशाला वगैरह है, इसके वजह से उधर डाइवर्ट कर दे रहे हैं इसको। देख लीजिए, और इधर का जो दिखाई दे रहा है ये सब सेना की ज़मीनें हैं, आर्मी की ज़मीनें हैं सब। आ गए हम लोग तारागंज, और इस स्टेशन का देखिए अभी डेवलप हुआ नहीं है कुछ, इसका देखिए इसका क्या होता है, जैसा भी होगा इसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और अगर आप वाराणसी से आ रहे हैं तो संगम के नज़दीकी रेलवे स्टेशन यही है तारागंज, यही उतरिए, रुक गई गाड़ी, चल चुके हैं दोस्तों हम लोग तारागंज से रामबाग के लिए। दिखाएंगे आप लोग को डबल लाइन का काम, देखिए ऐसे ही आ रहा है गंगा में क्रॉस करने के बाद, इसी प्रकार से आ रहा है ये ब्रिज, देखिए। देखिए यहाँ पे मिल रहा है आगे तारागंज में, यहाँ से डबल लाइन, देखिए डबल ट्रैक है ये, अभी आपको पास से दिखाएंगे। देखिए डबल ट्रैक का ही बना जा रहा है, एक तरफ से गाड़ी जाएगी एक तरफ से आएगी। और इधर देखिए काफ़ी गड्ढा था यहाँ ट्रैक के बगल, जस्ट बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा था, यहाँ पे मिट्टी बाहर से ले आ ले आके पूरा डाले हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग काफ़ी मिट्टी यहाँ पे डाली गई है, अभी आपको आगे दिखाएंगे कि कितना गहरा था यहाँ पे। देखिए अब गाड़ी यहाँ से स्ट्रेट होगी, एक अंडर पास ये भी बना है, बागहमरी मठ वाला रोड है ये अंडर पास एक बना है अभी। देख लीजिए दोस्तों काफ़ी गहरा था, इतनी मिट्टी डाली गई, इसी वजह से इधर का काम लेट हुआ है, क्योंकि काफ़ी गहराई है यहाँ पे, मिट्टी डालने में टाइम लगता है। और इधर FCI गोदाम आ गया, पूरे प्रयागराज का खाद भंडारण यहाँ पे होता है। आप तेज हो गई गाड़ी दोस्तों, नया पुल वाला
इधर वाला अंडर पास आने वाला है, ये सामने आ जाएगा, फिर इसके आगे रामबाग आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे भी काम चल रहा है, देखते हैं अभी, देखते हैं। यहाँ पे भी काम चल रहा है, रोड पे चुंगी चले जाएंगे, जनलनी नया पुल। अब इधर देखिए, इधर गिट्टी डाल बिछा दिए हैं, इधर खिलापट पत्थर भी रख दिया गया है इधर लाइन के लिए। और हम लोग पहुंचने वाले हैं प्रयागराज रामबाग। दोस्तों ये आखिरी स्टेशन है इस स्टेशन का। अब दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, यहीं तक ट्रैक बिछ रहा है और उस तरफ तो पहले से डबल लाइन बिछा था, अब स्टेशन आने वाला है। देखिए हम लोग आ गए, आइए अब उस तरफ से दिखाते हैं, यहाँ तक बिछेगा लाइन। देखिए अब इस तरफ तो पहले से डबल लाइन बिछा हुआ है, इधर अभी नया नया गिट्टी इधर डाले हैं इधर। आगे स्टेशन आने वाला है, और दोस्तों प्रयागराज रामबाग स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट का काम अभी फिलहाल चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग 7-8 महीने हो गया, 1 साल हो गया, चल ही रहा है। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन प्रयागराज जस्तान चली जाएगी, ये वाली लाइन जंक्शन चली जाएगी सीधा। अब देखिए ट्रैक्टर है यहाँ पे खड़ा है, ट्रैक्टर में गिट्टी डाल के देखिए लाइन पे चलाते हैं, इसी से गिट्टी गिराया जा रहा है इसी ट्रैक्टर से। अब इधर देखिए नई लाइन बिछाई जाएगी, पहले तो बिछा था, फिर सीधा नया लाइन बिछाया जाएगा। ये माघ मेला की तैयारी, दोस्तों तैयारी के लिए काम चल रहा है पूरा। देखिए प्लेटफार्म भी काफ़ी लंबा हुआ है। आगे हम लोग रामबाग, एक नंबर पे गाड़ी लगेगी रामबाग में। देखिए एक नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी लग रही है रामबाग में, और इधर ये कर्मचारी लोग पटरी को चेक कर रहे हैं। और दोस्तों विभूति एक्सप्रेस यहीं से बन के चलती है, जो रामबाग से हावड़ा तक जाती है। देखिए एक नंबर पे, फिर यही गाड़ी पुनः वापस चली जाएगी अभी वाराणसी की तरफ, लगभग 6:50 पे यहाँ से निकलती है। आगे हम लोग रामबाग, प्रयागराज मुजफ्फरपुर वीकली एक्सप्रेस खड़ी है, साप्ताहिक ट्रेन है ये, खड़ी है अभी। आगे रामबाग हम लोग, आगे हम लोग प्रयागराज रामबाग। अभी आई ट्रेन पूरा 50 मिनट में अभी निकल जाएगी,
तो इसी से हम भी फिर से निकल जाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।